नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं अजय भारत, मैं हूं तनुप्रिया। हिंदुस्तान अखबार की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं, क्या कुछ अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। एनआरसी बिल की बात करें तो देर रात यह पारित कर दिया गया। नागरिकता बिल लोकसभा में पास हो गया है तो फ्रंट पेज पर हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 12 घंटे बहस के बाद देर रात 12 बजे यह बिल पास कर दिया गया और इसके पक्ष में 311 विधायक थे, वहीं इसके विरोध में 80 वोट पड़े थे। बता दूं कि नागरिकता संशोधन विधेयक सोमवार को देर रात 12 बजे लोकसभा में पारित हो गया और मैराथन 12 घंटे चली बहस के बाद मतदान में विधेयक 311 पक्ष में थे, वहीं 80 वोट विपक्ष में पड़े थे। उसके बाद यह पेश किया गया था विधेयक। बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह इस बिल के पक्ष में थे और उन्होंने कहा था कि उनके मैनिफेस्टो में भी यह प्रमुखता से था ये पॉइंट कि यह बिल पास करना ही है। गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की चिंताओं को भी दूर किया। तो हिंदुस्तान अखबार ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से कल लोकसभा में जो AIMIM के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी ने भी चर्चा के दौरान ये NRC का बिल को लोकसभा में ही फाड़ दिया था, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ये संसद का अपमान है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को लेकर असम समेत पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनकी चिंताएं दूर होगी, ऐसा उन्होंने कहा। और अमित शाह ने ये भी कहा कि नागालैंड, मिजोरम और इनर लाइन परमिट के जरिए संरक्षित है, मणिपुर के लोग भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। मालूम हो कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए इनर लाइन परमिट लेना होता है। तो NRC को लेकर के जो लगातार कई दिनों से बहस चल रही थी और उसके बाद देर रात यह बिल पास कर दिया गया। और दूसरी खबर पर नजर डालें तो बक्सर की घटना जो बिहार के लोगों को दहला रखी थी, जिस तरीके से एक युवती को गोली मारकर उसे जला दिया गया था, इस खबर पर भी हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित किया है और लिखा है कि मृत युवती रोहतास की थी। तो ये जानकारी अब मिल गई है पुलिस वालों को। हालांकि इस कार्रवाई में 4 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। बक्सर जिले के इटाढ़ी थाने के कुकुड़ा में गोली मारकर जला दी गई थी युवती की पहचान अब हो गई है और यह मंगलवार को इसका यानी कि आज इसका खुलासा किया जाएगा। अगली खबर पर नजर डालें तो अगली खबर पटना की ही है, जहां पर दरोगा ने छेड़खानी पीड़िता को उसके घर में घुसकर धमकी दी है और यह पटना की घटना है, जहां पर यह दिग्घा थाने का मामला है, जहां पे अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद भी आरोपी को पकड़ने का आरोप लगा है। और आपको बता दूं कि वरीय अधिकारियों से शिकायत करने पर जो दरोगा है वो खफा था, जिसके बाद जो छेड़खानी पीड़िता थी उस पर उसे धमकी दी गई है दरोगा के द्वारा, उसके बाद भी यह मामला प्रकाशित किया गया है। अगली खबर पर नजर डालें तो दिल्ली में जिस तरीके से अग्निकांड में 43 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से अब यह खबर आई है कि 36 मृतकों की जो संख्या है वो बिहार की है। दिल्ली में हुए अग्निकांड की घटना में बिहार से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये संख्या 36 हो गई है। और तमाम जिलों को भी नाम दिए गए हैं, जिसमें समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मधेपुरा, अररिया, मधुबनी है, जहाँ पर मतलब कई लोग जो बिहार के हैं वो इस दिल्ली अग्निकांड में मारे गए हैं। अगली खबर की नज़र डालें तो हिंदुस्तान अखबार ने यह भी प्रकाशित किया कि मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के मंत्री ने आमंत्रित किया है। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में आमंत्रित किया है और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होना है, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है। अगली खबर पर नजर डालें तो शिक्षा में छत्तीसगढ़ बिहार मॉडल अपनाएगा, तो मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी ली गई और इस योजनाओं के जो अध्यक्ष को 5 सदस्यीय दल बिहार पहुंचेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। बता दूं कि इसमें कई लोग मौजूद थे, बिहार की शिक्षा योजना का अध्ययन और साथ ही साथ अवलोकन करने के लिए कल छत्तीसगढ़ का एक 5 सदस्यीय जो टीम है वो पटना पहुंची थी और इस पर बात पर अध्ययन की जाएगी। बिहार मॉडल को भी अपनाने की, छत्तीसगढ़ में कैसे अपनाया जाए इस पर भी रुख किया जाएगा। अगली खबर पर नजर डालें तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का RJD ने लिया है संकल्प। तो कल बैठक की गई थी और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राजनीतिक दलों में
से समझौते को लालू प्रसाद अधिकृत किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और आज यानी कि मंगलवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक की जाएगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा कमेटी करेगी। हालांकि ये कयासों का दौर शुरू हो गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर आरजेडी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे। अगली खबर की ओर नजर डाले तो पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव खत्म होते ही सामने आने लगा विवाद। मारपीट के बाद अफरा तफरी मची है और सेदपुर व अम्बेडकर हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़े हैं और फायरिंग भी हुई है। बता दूं कि अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर की गई थी और जो स्थिति को फिलहाल संभाल लिया गया था। कल की ये घटना है जहां पर बहादुरपुर पुलिस ने कहा है कि अब तक कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है, हालांकि फायरिंग हुई थी और जिसमें एक छात्र शशि का सिर में गहरी चोट लगी है और सर फट गया है और कई लोग घायल हुए हैं स्टूडेंट्स, और FIR भी दर्ज किया गया है। मारपीट को लेकर अम्बेडकर हॉस्टल के छात्र चंद्र भास्कर ने सेदपुर में भी मामला दर्ज कराया गया है, FIR दर्ज की गई है। तो ये कल की घटना है जहां पर पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के बाद स्टूडेंट्स के बीच झड़पें हुई हैं और फायरिंग भी हुआ है। अगली खबर की ओर नजर डाले तो पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान आज से शुरू होगा। तो मंगलवार से फिर अतिक्रमण अभियान शुरू किया जाएगा। अगली खबर की ओर नजर डाले तो शुक्रवार से ठंड बढ़ेगी, हल्की बारिश के भी आसार है। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान लगाया है और ये खबर को भी हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से छापा है। उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं ईरान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सिस्टम बना है जिसमें 13 को गुजरेगा बिहार से। कल सोमवार हादसों भरा दिन रहा, कई 4 जगह पटना में हादसे हुए हैं जिसमें एक कंटेनर ने इंजीनियरिंग के छात्र को रौंद दिया और उसके बाद आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की। अनिशाबाद में हादसे के बाद कंटेनर छोड़ चालक और खलासी मौके से भाग गए, उसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। कंटेनर से 2 बोतल शराब भी बरामद हुए हैं और उसके बाद लोग जाम से परेशान रहे, आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। वहीं गर्दनी बाग में घटना हुई, दूसरी जो घटना है वो नौबतपुर मसौढ़ी मुख्य सड़क मार्ग पर हुई, जहां पर नौबतपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर बाइक सवार से हो गई जिसमें 2 बाइक सवार व्यक्ति मारे गए। वहीं दूसरा जो हादसा हुआ ओवरब्रिज पर कार और बाइक की टक्कर में हुआ और ये रूपसपुर थाना क्षेत्र स्थित बेली रोड फ्लाईओवर पर कल ये हादसा हुआ जिसमें कार की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। वहीं चौथी जो घटना है वो दानापुर में हुई, जहां डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार गिर गया जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। तो कह सकते हैं कि सोमवार का दिन हादसे भरा दिन रहा, जहां पटना में 4 जगहों पर सड़क हादसे हुए। अगली खबर की ओर नजर डालें तो विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज हुई है और आपको बता दें MP MLA कोर्ट में विशेष न्यायाधीश सुरेश प्रसाद मिश्रा ने कल यानी कि सोमवार को विधायक अनंत कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दी।